स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब एक साथ चुनाव से है, जिसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए होने वाले चुनाव एक ही समय पर संभव हो सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो यदि ऐसा होता है तो वोटर्स को ये सुविधा होगी कि वो एक ही दिन में अपने एमपी और एमएलए दोनों को चुनने के लिए वोटिंग कर सकेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स का चुनाव एक साथ होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज एक साथ कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकती हैं, और यदि हो भी जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि वो अपना टेन्योर भी एक साथ पूरा करेंगी। और यदि ऐसा होता भी है तो इसे लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट्स करने होंगे। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज के एपिसोड में इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। सही मायनों में देखा जाए तो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट देश के लिए कोई नया नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कई इलेक्शन ऐसे ही हुए हैं, यानी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ। 1951 से 1967 के दौर में ऐसा ही हुआ है, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ स्टेट असेंबलीज को समय से पहले डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर 1970 में लोकसभा भी समय से पहले डिसॉल्व कर दी गई। उसके बाद से ये सिस्टम बिगड़ गया और फिर लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस अलग अलग समय पर होने लगे। आज की सिचुएशन में ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति लगातार इलेक्शन मोड में ही रहती है। हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते ही रहते हैं। लोकसभा को छोड़ दिया जाए तो देश में हर साल औसतन 5 से 7 असेंबलीज के चुनाव होते हैं। यही नहीं, इसमें अगर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज को भी जोड़ लिया जाए और बाई इलेक्शंस को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल, वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में इससे पहले भी कई कमिटीज और बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी हैं। 1999 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट, जिसे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने हेड किया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनेल पब्लिक गवर्नेंस लॉ एंड जस्टिस ने 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में इस पर चर्चा की थी। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उनमें सबसे पहले बार बार इलेक्शन में होने वाले एक्सपेंसेस की बात होती है। मौजूदा सिस्टम्स के एडवर्स इम्पैक्ट्स को मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, इसके तहत इलेक्शन के कुछ समय पहले से लागू होने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण पॉलिसी पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद केंद्र सरकार कोई नई अनाउंसमेंट्स नहीं कर पाती है। फ्रीक्वेंटली होने वाले इलेक्शंस की वजह से बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। लगातार होने वाले इन इलेक्शंस के कारण पॉलिटिकल पार्टीज भी हमेशा इलेक्शन और कैंपेनिंग के मोड में रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबका फोकस शॉर्ट साइटेड पॉपुलिस्ट और पॉलिटिकली सेफ मेजर्स पर रहता है, जिससे उन्हें पॉलिटिकल गेन हो, जबकि हायर प्रायोरिटी या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे इश्यूज इग्नोर्ड रह जाते हैं। दूसरा इशू है इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन सबका खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को बियर करना होता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 55,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। भारत जैसे देश में ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि 2019 में लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव भी हुए होते तो महज 4,500 करोड़ रुपए और खर्च होते। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुए एक्सपेंडिचर की तुलना में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। सरकारी खर्च के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स भी चुनाव जीतने के लिए जमकर खर्च करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके SY कुरैशी के मुताबिक, इलेक्शंस हैव बिकम द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन द कंट्री। आफ्टर विनिंग इलेक्शंस द पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस इंडल्जेस इन रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज वेयर करप्शन बिगिंस। यानी भ्रष्टाचार की जड़ में ये चुनाव ही है, जहाँ पहले लोग जमकर पैसा खर्च करते हैं, फिर जीतने के बाद नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में लग जाता है, और फिर यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। अब अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो बार बार करप्शन होगा, जबकि एक बार अगर इलेक्शन होंगे तो करप्शन पर कुछ तो रोक लगाई ही जा सकेगी।
इलेक्शंस पीसफुल हों ये इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस तरह की तैनाती उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतर होती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी से भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यही नहीं, बार बार होने वाले इलेक्शंस के कारण सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है। इलेक्शन एक ही बार होंगे तो माइक साउंड जैसी असुविधाओं को केवल एक ही बार झेलना पड़ेगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में कई व्यावहारिक अड़चनों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स भी हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए पहली बार शुरुआत कैसे और कब होगी, क्योंकि एक साथ चुनाव के लिए कुछ असेंबलीज का टर्म बढ़ाना पड़ेगा तो कुछ का कम करना पड़ेगा, और क्या ये पॉसिबल होगा। दूसरे, यदि शुरुआत हो भी गई तो ये सिस्टम एक साथ कितने दिनों तक चल पाएगा, क्योंकि यदि कभी लोकसभा ही टेन्योर पूरा होने से पहले डिसॉल्व हो गई तो क्या सभी असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और यदि आर्टिकल 356 के तहत किसी स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं। लॉ कमीशन के 2018 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में ऐसे कुछ सवालों के सलूशन पर सुझाव दिए गए थे। कहा गया था कि जिन स्टेट्स में असेंबली का टेन्योर पूरा होने वाला है उनके टेन्योर को लोकसभा इलेक्शन तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और जहां लोकसभा के बाद पूरा हो रहा होगा उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लॉ कमीशन ने एक और अल्टरनेटिव दिया था, असेंबलीज को डिसॉल्व करने से बचने के लिए असेंबलीज के इलेक्शंस दो बार में कराए जा सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की सिचुएशन में सरकार के गिरने जैसी सिचुएशन से बचने के लिए लॉ कमीशन की सिफारिश थी कि ऐसे में पार्लियामेंट या विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह कॉन्स्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें सरकार के खिलाफ कॉन्फिडेंस न होने पर उसी सिचुएशन में सरकार गिरेगी जब किसी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के फेवर में हाउस विश्वास व्यक्त करेगा। लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि बार बार ऐसी सिचुएशन आने से बचने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशंस की संख्या को सीमित किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जिन आर्टिकल्स में खास तौर से अमेंडमेंट की जरूरत होगी वो हैं आर्टिकल 172 और आर्टिकल 356। आर्टिकल 172 असेंबलीज के टेन्योर की बात करता है, जबकि आर्टिकल 356 स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83, 85 और 174 में भी बदलाव की जरूरत होगी। स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, लेकिन हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराने का ये लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई स्टेप्स में काम करना होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।